दी भाइयों बहनों, मैं आपका संजीव पंडित जी। आज विजय दशमी के दिन नवरात्र का आखिरी दिन है और हम सब माता रानी से अलविदा कहते हैं। तो आइए मेरे साथ हम माता से अलविदा कहें और अगले वर्ष माता को फिर से बुलाएंगे कि माता रानी हम सब पर अपना आशीर्वाद रखे। जय माता दी। के कालीबाड़ी माता मंदिर में डायरेक्ट पंडित जी से आपकी वार्तालाप कराते हैं, तो मेरे सामने ये मंदिर के पंडित जी बैठे हुए हैं। तो आप अपना नाम बताइए। गणेश चक्रवर्ती है। तो आप इस मंदिर में 9 दिन की पूजा होती है, वो आप अपने बारे में ज़रूर बताइए। मैं नजफगढ़ की कालीबाड़ी पुरोहित है और यहाँ जो हमारा दुर्गा माता जी दिखाई दे रहा है ये हमारा स्थापित है और ये हमारा अगले साल से स्थापित है और इसी में हमारा पूजा पाठ होता है। और जो हम नवरात्रि पालन करते हैं तो हम ये बेल, ये पूरा डायरेक्ट बेल की पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे हम माता जी की कलश लगाते हैं और इस कलश से हम 9 दिन पूजा पाठ, यहाँ आरती, भजन, कीर्तन और अपने हिसाब से जो बंगाली हिसाब से रीति रिवाज से जो पूजा पाठ करते हैं, हम ये 9 दिन हम सुबह शाम करते आते हैं। और वो जो आज हमारे 10वां दिन है तो हम माता जी को स्वागत से विदाई करेंगे, इसी कलश को हम आज विसर्जित करेंगे। तो जो मेन सदस्य है डॉक्टर ए के सरकार, तो उनकी द्वारा ये मंदिर स्थापित है और ऊपर भी काली मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और हमारा शिव जी की मूर्ति है। तो ये मूर्ति हमारा स्थापित है, ये मूर्ति हम विसर्जन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा पाठ होते रहे, पंडित जी भी बुलाए जाते हैं और अच्छी तरीका से विधि तरीका से हम पूजा पाठ करवाते हैं। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने सुना कि पंडित जी ने बताया कि जो माता की मूर्त है वो स्थापित हो चुकी है और उनके बदले में जो कलश है ये विसर्जित करेंगे। तो मेरे सामने जो माता की मूर्ति है वो लगी हुई है। इन 9 दिनों की पूजा में आपको जो भी अच्छा लगा हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मुझे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल संजीव पंडित जी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। Thank you.
शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणता स्मतम रुद्रायै नमो नित्यायै गौरीयाय दत्तायै नमः कृष्णायै चंद्ररूपिणै सुखायै सततम नमः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः Yeah.